हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 तक हमने न्यूटन्स के सारे नियम पढ़ लिए थे, एफबीडी बनाना सीख ली थी और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे हमने ढेर सारे क्वेश्चन भी करे थे। और हमने होमवर्क में आपको 2 एडवांस लेवल के कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन दे रखे थे, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। और साथ में ही हमने न्यूटन्स सेकेंड लॉ पर स्ट्रेटेजी हमने बता दी थी कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो अब हम उस स्ट्रेटेजी पे भी काम करेंगे, मतलब हम सेकेंड लॉ पर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं आज। और याद रखना, हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने वाले भाई साहब, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आज तैयार रहना क्योंकि हम A=MA पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो बस जस्ट अभी हम 2 क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे दे रखे थे, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन हम A=MA पर काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन ये दिया था हमने लास्ट टाइम, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा था, आप सबको याद होगा, हमने बोला था कि फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन फॉर विच सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दोस्तों, आप इसको किस तरह से सोचोगे, देखो ध्यान से, आप इस तरह से सोचना कि अगर देखो इससे तो ये स्मूथ सर्फेसेस है, ये बात आपको सबको क्लियर है, ठीक है। तो अगर ये सर्फेसेस हॉरिजॉन्टल होती, ये सर्फेसेस हॉरिजॉन्टल होती, तो आपके पास जब इसको ऐसे रखा जाता, ठीक है, तो अभी क्या होता, अगर हम ऐसे रख दिया जाता और ऐसे 2 स्पेयर रखे होते, तीसरा इसके ऊपर रखा जाता, तो इसके वेट के कारण ये दोनों उधर भाग जाते। अब बात समझ लिया, दोनों इधर चले जाते क्योंकि ये स्मूथ है, राइट। जाहिर सी बात यही होगा। तो हमने क्या करा, हमने उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया। तो हो सकता है जब इंक्लिनेशन कम हो तो ये फिर भी नीचे आ जाए और ये कुछ इस तरह से बन जाए, ये नीचे आ जाए और ये इस तरह से एडजस्ट होकर इस तरह से बैठ जाए, राइट। तो एक वक्त ऐसा होगा दोस्त, एक वक्त ऐसा होगा कि ये जस्ट इक्विलिब्रियम पर आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप एंगल बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा उसके बाद से, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना। चलिए एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि ये वही एंगल मिनिमम है, थीटा मिनिमम है, जिसमें हमें इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पर रखना है, एक्चुअली इक्विलिब्रियम पर रखना है, ठीक है। तो अब जैसे अगर अपन देखें, तो बच्चे एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एफबीडी बना देते हैं। देखिए 3 स्पेयर हैं, तो एफबीडी में बड़ा ध्यान से समझना। एफबीडी में देखिए क्या होगा, एक काम करते हैं, इस स्फीयर के कारण हम यहां पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं एन, राइट। और इसके कारण मान लेते हैं वो भी एन होगा क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है एन, बात समझे। अब अगर आप देखें तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, आप सबको पता है ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये बात तो क्लियर है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि देखिए जो ये n का cos कंपोनेंट है और ये n का cos 30 वाला जो कंपोनेंट है, दोनों मिलके mg को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब ये कि बेटा 2n cos 30 इक्वल टू mg, मतलब हम n इक्वल टू बोल देंगे mg / √3। ये तो सबको क्लियर है, ये तो सबको क्लियर है भाई साहब, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। हमने इक्विलिब्रियम अभी सिर्फ ऊपर वाले स्फीयर के लिए लगा दी। अब अगर हम बात करें नीचे वाले स्फीयर के लिए, तो ध्यान से समझना, यहां से जो नॉर्मल होगा वो कुछ नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा बेटा, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा। अच्छा नाम दे देते हैं इसका, नाम एन डैश। क्या नाम दे दिया हमने इसको? एन डैश। चलिए बहुत बढ़िया। तो जो इस वाले स्फीयर ने इस वाले स्फीयर को एन दिया, तो क्या वापस से इस वाले स्फीयर ने इस वाले स्फीयर को एन दिया? तो भैया हमारे पास एक लगेगा इधर नॉर्मल एन, क्लियर, और एक लगेगा बेटा इसका वेट, एक लगेगा इसका वेट इस तरह। अभी क्लियर हो गया? अच्छा ये बन गई अपनी स्केल वैल्यू। अच्छा तुम में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर इसके द्वारा इस पर भी तो एन लगाओ, वो क्यों नहीं लगाया आपने? तो मैं चाहता हूं कि वो आप अभी पॉज करो स्क्रीन और खुद सोचो एक बार कि मैंने ऐसा क्यों नहीं करा। सोचो एक बार जरा, बहुत कमाल की चीज है सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने उसके कारण इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सोच के बता दो बस, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर सुनो। देखिए हमें चाहिए मिनिमम एंगल,
तो हम ये चाहते हैं कि जो इसका वेट है ना वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो कि वो आधा इस पे हो जाए डिस्ट्रीब्यूट और आधा इस पे हो जाए डिस्ट्रीब्यूट। और उसके बाद जब आपने, क्योंकि ये थीटा मिनिमम पे बता रहे हैं ना आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होना, जब हमने अगर थीटा और बढ़ा दिया तो क्या होगा कि इनके द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन मतलब वो इनको भी प्रेस करने लगेगा, मतलब इनके बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन फिर आने लगेगी, ठीक है, फिर वो उस हिसाब से बैलेंस होगी। मगर थीटा मिनिमम में आपके पास ये एकदम जस्ट ऐसा होगा कि इसका वेट दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से हो रहा है कि जस्ट यहां पर कॉन्टेक्ट हल्का सा होगा, बिल्कुल हल्का सा, मतलब जस्ट वो नॉर्मल रिएक्शन जीरो। अब बात समझ में आई कि हमने इसका नॉर्मल रिएक्शन इस पर क्यों नहीं बनाया, क्लियर हो गया बात। तो ये इस तरह से था। चलिए इसका एक काम करते हैं, जल्दी से हम एफबीडी बना देते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या बनाया है, ध्यान से समझना। अच्छा इसमें बहुत खास बात क्या है पता है, इसके कंपोनेंट, सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसके कंपोनेंट से। एक्चुअली तुम लोगों ने जब इसको सोल्व करा होगा तो आधे बच्चों ने तो पता क्या करा होगा कि नॉर्मलाइजेशन सेम इसी के अलोंग दिया होगा, ये इसी के अलोंग, जबकि एन वाली लाइन के अलोंग नहीं होगा, इसका नॉर्मलाइजेशन इधर होगा, इससे 90 डिग्री एंगल होगा वो, ये बात ध्यान रखना। मैं अभी आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, है ना, डोंट वरी। देखो जरा तो बच्चे, अगर हम बात करें इस वाले के लिए, है ना, तो यार ये हो गया आपके पास नॉर्मलाइजेशन, ऐसा हो गया ना, ये इतना प्लेंक हो गया। पर अगर आप हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन, तो देखो ये इस तरह से था, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखिए ये हमारा इक्वेटर ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है, इक्वेटर ट्रायंगल था अपना। तो अगर मैं इस इक्वेटर ट्रायंगल को मैं बोलूं तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ये बात तो क्लियर है, 30 डिग्री होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ क्या वर्टिकल से ये जो एन होगा, ये तो एन डैश है, तो क्या वर्टिकल से ये वाला एंगल भी 30 डिग्री ही होगा, ये बात सही है क्या, वर्टिकल से क्या ये वाला एंगल भी 30 डिग्री ही होगा? हाँ बिल्कुल 30 डिग्री ही होगा, राइट। अच्छा और एन भी नीचे लग रहा है, अब ध्यान से समझना, अब मैं इसे सिर्फ कंपोनेंट करूंगा, उसे गौर से देखना, सब कुछ वही है अटका हुआ है, क्योंकि जो बच्चा यहां तक भी आ गया उसके बाद उसे कंपोनेंट सही नहीं करे तो फिर से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, है ना, यहां पर बहुत सावधानी की जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब कंपोनेंट कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनना हमारी बात, ठीक है, मैं इसको अच्छे से अलग से डायग्राम बना रहा हूं, अभी तो हमने बिल्कुल ऐसा बता दिया है, बस आपको एक और चीज यहां पर मैं बता देता हूं, ये जो एंगल है ना इसका इंक्लाइंड एंगल, ये एंगल थीटा था, बोलो हाँ ये एंगल क्या था बेटा, थीटा। अब ध्यान से सुनो, मुझे बता सकते हो क्या कि नॉर्मल ये वाला जो है, जो ये जैसे 90 डिग्री एंगल ये था, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन मुझे बता सकते हो कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, बता सकते हो क्या? तो बेटा वो हो जाएगा आपके पास, ध्यान से समझना, देखो ध्यान से बेटा, ये 90 डिग्री है, अच्छा सुनो, अगर मैं ऐसा एक लाइन बनाऊं तो क्या ये जेड बन रहा है, तो क्या ये एंगल थीटा, तो अंदर वाला एंगल थीटा, ध्यान से अंदर वाला एंगल थीटा, मतलब कि अब सुनना, ये वाला एंगल अपना थीटा आ रहा है, तो ये वाला एंगल 91 थीटा आया, तो ध्यान से, तो ये वाला एंगल भी 91 थीटा होगा हॉरिजॉन्टल से, तो बेटा ये वाला एंगल आया आपका थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे ये बन गया तो आपके सारे कंपोनेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अब सिर्फ कंपोनेंट करने थे, जल्दी से कर लेते हैं। तो देखो जरा जल्दी, एन का ऊपर वाला कंपोनेंट होगा एन कोस थीटा, क्लियर, और एन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब नीचे लगेगा बेटा एनजी, नीचे लगेगा एनजी और प्लस एन का कोस थर्टी, है ना, ये अपने पास एन था कि एनडेस था, एनडेस को देखो जरा, पहले एनडेस कौन था, एनडेस वाला है, मतलब ये एनडेस है ना, तो मतलब ये एनडेस है, ये एनडेस था, क्लियर। तो mg plus n cos theta cos 30 और ये वाला हो जाएगा उसका n का sin 30, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको सिर्फ ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर करना है, लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर करना है, और ये फिनिश हो चुका है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन। देखो जरा n sin theta n dash sin theta इक्वल टू बेटा हो जाएगा अपना n sin 30, ध्यान से जल्दी ऊपर वाला n डैश cos 30 या थीटा इज इक्वल टू
एम जी प्लस एम कोस थर्टी, जल्दी से ठीक है। अब जल्दी बताओ क्या मुझे बताना है थीटा कितना है, तो आप इंडेक्स को एलिमिनेट कर दो, मतलब इन दो को डिवाइड मार दो, तो ये आपके पास हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा एन, एन क्या है एम डी बाई रूट थ्री, साइन थर्टी होता है वन बाय टू, ये बात क्लियर है अपने पास है ना, तो ये हो जाएगा एम जी बाई रूट थ्री, सही है एक बार देख लो कंपोनेंट वंपोनेंट तो बिल्कुल सही है हाँ, तो ये हो जाएगा एम जी बाई रूट थ्री और साइन थर्टी वन बाई टू, तो एम जी बाई टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय नीचे वाला, तो एम जी प्लस एन कोस थर्टी, तो कोस थर्टी क्या हो जाएगा इसका रूट थ्री बाय टू, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो ये हो जाएगा एम जी बाई टू, और ये हम आंसर के करीब आ गए हैं, सिर्फ हमें इसको सोल्व करना है और आंसर फिनिश। तो बेटा आपको ये हो जाएगा टेन थीटा, देखो जरा इससे अगर आप सोल्व करें तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास वन अपॉन में थ्री रूट थ्री, देखो जरा बन रहा है आपके पास, क्योंकि वन बाई टू वाला कट जाएगा ना और बचेगा वन अपॉन थ्री रूट थ्री, तो आपके पास एंगल आ गया, क्या आ गया बेटा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन थ्री रूट थ्री, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें आपको संभाल ली थी है ना, जैसे कि कंपोनेंट्स है ना, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन, तो चलिए दोस्तों ये वाला आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जो हमने एडवांस लेवल का दिया था आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है, तो जल्दी से इसे करिए जिसने अभी अभी इसे देखा है, और बाकियों ने तो मेरे ख्याल से कर लिया होगा है ना, तो अब हम इसका सॉल्यूशन बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द चेन, चेन इस तरह से लटका है यही, और ये एंगल थीटा थीटा दिया हुआ है, और बोला है कि चेन के मिड पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, और हमने इसके बारे में हिंट तो पहले से ही दी थी है ना, जैसे हमने बोला था ना कि फिर हेरा फेरी में जो वो इस तरह से चेन बना लेते हैं, तो वहां पर जो पर्सन होगा जो सेंटर पे एकदम बीच में होगा, तो उसके हाथ आगे की तरफ है पैर पीछे की तरफ है, राइट, तो हाथ भी कोई खींच रहा है पैर भी कोई खींच रहा है, तो कोई इसमें खींच तो रहा है ना उसे, तो टेंशन तो होगा, जीरो तो नहीं होगा, तो आंसर आप समझ रहे ना बात को, आंसर जीरो तो नहीं होगा, तो फिर अब इसे भाई साहब करेंगे इसे, तो ध्यान से समझो, सबसे पहले काम करो कि देखो ये एक चेन हमारा एक सिस्टम मान लेते हैं, चेन को हम एक सिस्टम मान लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चेन में टेंशन अगर देखोगे तो इसमें इधर लगेगा और इसमें इधर लगेगा, राइट, चेन को इस वॉल वाले पार्टिकल ने पकड़ रखा है तो उसमें टेंशन इधर लगा रहे होंगे, ठीक है, तो बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके दो कंपोनेंट तोड़ देते हैं, चलो भैया तोड़ दिए, तो एक ऊपर एक इधर, एक ऊपर एक इधर, तो बेटा अब देखा जाए कि चेन में अगर बात करी जाए, और बीच में जो है वो एम जी लगा है, राइट, तो बेटा अगर मैं चेन की अगर एफ बी डी बनाऊं, अगर चेन के लिए बारे में बात करूं, तो देखो चेन अपने पास बिल्कुल इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, ये अपने बाउंड्री वेव, और इसका जो वेट है वो नीचे एम जी लग रहा है, मतलब अगर मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना, अब आप समझ रहे हैं ना, अगर वैसे मैं अगर इसके सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इसको अगर सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस सिस्टम में एम जी नीचे लग रहा है, टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर था जो कि क्या होगा टी का साइन थीटा है ना, तो ये हो जाएगा टी का साइन थीटा, और ये हो जाएगा टी का साइन थीटा, राइट। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस सिस्टम पर, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कौन कौन सा कंपोनेंट है बेटा हॉरिजॉन्टल, एक इधर का और एक इस साइड का, ठीक है, एक हो जाएगा इस साइड का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम में देखा जाए तो नेट फोर्स इधर का कैंसिल आउट होके जीरो बन जाएगा आपका, बात क्लियर हो गई अपनी, ध्यान से है ना, ध्यान से ये अपना क्लियर हो गया। अब अगर आप देखें तो बोलेंगे टू टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी, ये तो हम बोल सकते हैं यार, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा कि टू टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी, तो क्या हम बोल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू एम जी बाय टू साइन थीटा, इसमें तो भैया कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपका आ जाएगा, राइट, ये तो भैया सिंपल है, ये तो अपना सिंपल है, हमने अभी जो निकाला है वो तो टेंशन एट द एंड पॉइंट है, चेन के टेंशन जो है अभी निकाला है जो, तो बेटा वो तो टेंशन जो है वो एंड पॉइंट पे निकला ना, अभी तो इस पॉइंट पे निकला है वो तो, मगर हमें तो मिड पॉइंट पे चाहिए भाई साहब, अब बात समझ पा रहे ना, हमें चाहिए मिड पॉइंट पर, अब ध्यान से समझना, तो एक काम करते हैं हम, अब ध्यान से समझना यहां पर दिमाग कैसे लगा रहे हैं, ठीक है,
अब एक काम करो, इसमें कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मत लगाओ, मत लगाओ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से बस लॉजिक चलाओ अपना। आप ना बेटा इतने को सिस्टम लो एक बार जरा, आप इतने को सिस्टम मान लो एक बार जरा, ठीक है। जब इसको सिस्टम ले लोगे अगर आप, ठीक है, अगर आप इसे सिस्टम ले लेते हो इस तरह से, जैसे अगर हमने ले लिया सिस्टम, ये हमारे पास सिस्टम हो गया राइट। अब अगर हमने यहां पर सिस्टम ले लिया, ये अगर हमारे पास सिस्टम है, इतनी जो चेन है वो सिस्टम है, तो इसको अगर अलग से यहां पर ड्रॉ कर दी जाए, इस तरह से अगर हम ड्रॉ कर दें, ठीक, तो बताइए इतनी सी चेन के हिस्से में, इतने से चेन के हिस्से में क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। तो बेटा आप बोलोगे सर ऊपर लग रहा है टी का साइन थीटा और आगे लग रहा है टी का कोस थीटा। ध्यान से, सही बात है। अब इस पॉइंट पर क्या टेंशन हॉरिजॉन्टल होगा, जैसे भैया अगर मैं बोलूं इतनी चेन हमने तोड़ दी, तो इसको इसी तरह से रखने के लिए हमें इसको हॉरिजॉन्टल खींचना पड़ेगा ना बच्चे, इसे हमें हॉरिजॉन्टल खींचना पड़ेगा। तो आपके पास इस वाले जो पॉइंट पर अगर आप टेंशन देखे, तो बेटा आप ये जो टेंशन होगा हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट पर, तो वो हो जाएगा कितना टी डैश। क्या मान लिया बेटा उसको हम टी डैश, ठीक है, ये मान लिया बेटा हमने टी डैश। अब मुझे जरा आप लोग खुद बताना है ना, उसका वेट वेट जो भी होगा, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, वेट भी होगा इसका, जाहिर सी बात है ना, इतना सिस्टम माने तो भी उसका वेट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं ये बोल रहा हूं कि हमें वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब नहीं है, मुझे भी क्या चाहिए सिर्फ टीडेश, तो मुझे हॉरिजॉन्टल से मतलब है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि चेन अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, बोलोगे हाँ सर। तो क्या नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो होगा, हाँ सर। और नेट वर्टिकल फोर्स भी जीरो होगा, तो बोलेंगे हाँ सर। तो सुनना, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो होगा, ये अपने पास हिंट है सॉल्यूशन की। तो ध्यान से इस पर अगर देखा जाए चेन पर, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है, मतलब कि जो ये टेंशन है हॉरिजॉन्टल, जो ये टेंशन है हॉरिजॉन्टल, वो इस वाले के बराबर होना चाहिए, लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। तो बेटा आपका आंसर खत्म, टी डैश इज इक्वल टू टी का कोस थीटा, टी डैश इज इक्वल टू टी का कोस थीटा, बस फिर आंसर खत्म। ये देखो टी बेटा क्या है, टी हमने पहले ही निकाल लिया है, कितना आया था बेटा एम जी बाय टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो आंसर हो जाएगा एम जी कोट थीटा डिवाइडेड बाय, ये आपको हो जाएगा टी डैश, ठीक है। तो ये आपका आंसर खत्म, बात क्लियर हुई, ये आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पर एप्लीकेशन करते हैं, मतलब F इक्वल टू ma वाले पार्ट पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ पर एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए F इजिकल टू एम ए पर हमें काम करना है, ठीक है, आपको हमने इसकी स्ट्रेटेजी पहले से ही बता रखी है लास्ट लेक्चर में, तो अब हम उस पर काम करना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब जरा आप इसे ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अच्छा देखो, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए मुझे, कि अगर मैंने इस ब्लॉक को इस तरह से रख दिया इस सरफेस पे, है ना, जिसका वेट 5 किलो है, और इसमें सीधे फोर्स लगा दिया और बोला कि भैया बताओ एक्सेलरेशन क्या है, तो आप सिंपली बोल दो सर एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ बाय एम, है ना। तो ये क्वेश्चन तो मैं नहीं दूंगा, आप क्वेश्चन करना है तो भैया अपन थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब कि बेसिक वाला जो आप चाह रहे हैं वो भी आ जाए। तो काम करते हैं हम ना, देखिए चाहे तो हम सिर्फ एफ हॉरिजॉन्टल में लगा देंगे और सीधे आप एफ बाय एम कर देंगे, आंसर आ जाएगा, तो इतना ज्यादा ही इजी हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं इसे। देखिए हम ये वाला फोर्स जो लगा रहे हैं वो हो जाएगा 50 न्यूटन, जो कि ये 37 डिग्री, और इसे लगा देते हैं यहां पर, इसको इस तरह से पकड़ के खींच दिया और इसको ले दिया हमने 53 डिग्री, और ये ले लिया अपन ने बेटा 30 न्यूटन, ठीक। चलो क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लो, जल्दी से बताओ बेटा जल्दी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लो, बहुत सिंपल है, फटाफट। चलिए अब हम बता देते हैं,
सिंपली आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझना, बॉडी अपने पास यही सिस्टम भी है, आप सबसे पहले इसके ऊपर एफपीडी बना लो। तो सर एफपीडी बनाना तो बहुत आसान है, मतलब उसको कंपोनेंट ही करना है मात्र, और क्या। तो देखिए ये सब तो आपको आसान लगेगा, हमने क्या बोला था, आप सबसे पहले डिसाइड करो कि मोशन कहां हो रहा है। आप खुद सोचो, मोशन जो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल में होगा, भाई मोशन जो होगा हमारा वो हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, जाहिर सी बात है ना। अब मोशन हॉरिजॉन्टल में होगा तो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले से मतलब होगा, क्योंकि वर्टिकल में तो मोशन ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन पूछा गया है तो देखो किसे करना पड़ेगा, आपके पास ये 5 किलो था, अब अगर आप देखें तो 50 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, 50 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो बेटा वो कितना होगा जल्दी बताओ, 50 का कोस 37 डिग्री, फिर से ट्राइंगल येलो भैया, ट्राइंगल 40 हो जाएगा वैसे, फिर भी अपन देख लेते हैं 3 4 5, तो भैया 50 का कोस 37, 50 का कोस 37 हो जाएगा 40, राइट, ये हो गया आपका 40। अच्छा वर्टिकल भी होगा, वर्टिकल भी होगा, मगर वर्टिकल वाले से हमें ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, आप सोच के बताओ जरा, क्योंकि वो वर्टिकल वाला इसे मोशन में नहीं ला रहा, इसे मोशन करा रहा है हॉरिजॉन्टल वाला, हम बिल्कुल धीमे धीमे चल रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वर्टिकल वाले देखो, आप बनाओ तो बना लो और नहीं बनाना तो मत बनाओ, क्योंकि हमारा तो मोशन हॉरिजॉन्टल में है ना, एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल में है, तो हमें इसलिए हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस से मतलब था। अच्छा ये अगर 30 के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो 30 का कोस 53 अगर आप निकालोगे तो 18 आ जाएगा और वर्टिकल आ जाएगा 24, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब एफ नेट कितना हो गया बेटा, जल्दी से, एफ नेट इज इक्वल टू एमए, एफ नेट इज इक्वल टू एमए, तो बेटा आप निकाले अपने पास एफ नेट, तो 40 + 18 तो कितना हो गया बेटा, ये कितना हो रहा है बेटा, 52 हो रहा है, 58 हो रहा है क्या, है ना 58 हो रहा है ये वाला, इसका तो मास कितना है 5 और ये 1, तो बेटा आपका आंसर आएगा 58/5। आसान है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान निकला। चलिए अब थोड़ा सा हम इसे आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ना, ये तो भैया आप इजीली कर ही लोगे, आपको आप चाहे वो फोर्सेस कैसे भी लगा दे है ना, हॉरिजॉन्टल में किस तरह भी किसी भी एंगल में आपको दे दे, आप निकाल सकते हो, ठीक। अब जरा सुनना ध्यान से, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन, अगर आपको ये देता कि इस तरह से, अगर आपको सिंपल ये क्वेश्चन में देने वाला हूं, ध्यान से समझना होगा, है ना, मान लो कि मास M1 है, मान लो ये मास M2 है, देखो अभी हम M1 M2 ले रहे हैं जिससे कि आपको जनरली समझ में आ जाए, है ना, हम नंबर भी ले सकते हैं जो बहुत आसान बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी जनरल समझेंगे, बिल्कुल जनरल, पर हमने फोर्स लगाया है। तो क्वेश्चन हम यहां पर दो तरीके के पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन यहां पर दो तरीके पूछे जा सकते हैं कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी बिटवीन द ब्लॉक्स, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी बिटवीन द ब्लॉक्स, ये आपको पूछा गया, नॉर्मल रिएक्शन है ना, इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो आपको पूछा है। अब देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप देखिए एफबीडी बनाओ, अगर हम इसके एफबीडी बनाए, देखिए इसके अंदर बहुत शानदार ट्रिक है, ये ध्यान रखना, जो एक लाइन में आंसर देगी आपको, मात्र एक लाइन में, तो वो आपको मैं आगे बता दूंगा, मगर पहले आप इसका जनरल मेथड सीखो, ठीक है, जनरल मेथड आपको आना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, आपको जनरल मेथड सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करें M1 की, बहुत बढ़िया, हमारा प्यारा सा M1 बन गया और ये प्यारा सा हमारा M2 बन गया, ठीक है बहुत अच्छे। अब सर आपने इधर देखो, सर दोनों उधर ही मूव करेंगे और सेम एक्सेलरेशन ही होगा सर, तो भैया ये भी ए से जा रहा होगा, ये भी ए से जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पर आपने एफ लगाया, बिल्कुल सही बात, तो क्या सर इस वाले ब्लॉक ने इस वाले ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन इधर दिया होगा, बिल्कुल सही, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर, तो क्या इसने उसको उधर दिया होगा, तो बिल्कुल करेक्ट, उसने उसको उधर दिया होगा, और बाकी कुछ लग रहा है M2 में नहीं। सर आप MG नॉर्मल नीचे वाला क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसे नहीं बना रहे हैं, जहां मोशन हो रहा है आप वहां पर बनाओ बढ़िया आराम से, ठीक है। चलिए अब अगर आप बात करें तो इसके लिए अगर आप लिखें तो आप क्या लिखेंगे, देखिए बेटा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बड़ा फोर्स होता है, फिर से हम बता रहे हैं,
तो एक्सेलरेशन का एक्शन ये, तो बताइए आपको एफ माइनस एन लिखना चाहिए, मतलब आपको एफ माइनस एन इक्वल टू एम वन ए ये लिखना चाहिए या एन माइनस एफ इक्वल टू एम वन ए लिखना चाहिए, सोच के बताओ भाई। बड़ा फोर्स जहां होगा, जिसे बड़ा फोर्स क्योंकि हमने एक्सेलरेशन वहां माना है ना, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बड़ा फोर्स होता है, तो इसकी डायरेक्शन में यही है ना, हमने एक्सेलरेशन पहले डिसाइड कर लिया भैया ये उधर जाएंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बड़ा है, तो एफ माइनस एन इज इक्वल टू एम वन ए। अच्छा इसकी बनाए तो सर यहां पर तो सिर्फ एन ही है, तो एन इज इक्वल टू एम टू है, ये आ गया। अच्छा अभी काम करो, इन दोनों को एड करो, इक्वेशन नंबर वन ये रही, इक्वेशन नंबर टू बेटा ये रही, दोनों को एड करोगे तो एन एन कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इन टू ए, तो एक्सेलरेशन आ गया बेटा एफ अपॉन में एम वन प्लस एम टू, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया बेटा। अब अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन बताने के लिए बोल दे तो भैया इसमें आप एक वैल्यू डाल दो तो आपको नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन एम टू एफ अपॉन में एम वन प्लस एम टू, आसान है बेटा, आसान है बिल्कुल, बहुत बहुत आसान है, ठीक है बहुत आसान है। अब ना ध्यान से समझना हमारी बात, क्वेश्चन बड़ा क्लियर है ना, आपने बताया बेटा फोर्स लगाया तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में क्या होगी, आपने बहुत इजीली निकाल लिया। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि अब अगर हम कहानी सारी की सारी वैसी ही रखें, कहानी सारी की सारी वैसी ही रखें, एम वन एम टू वैसे ही रखें, मगर इस बार हमने फोर्स यहां से लगा दिया, सेम फोर्स सब कुछ सेम है, तो मुझे बताइए अब अगर मैं यहां पर पूछूं कि भैया यहां पर एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, तो बताइए आंसर क्या बोलोगे आप, लॉजिकल सोच के बताओ आंसर क्या बोलोगे। सर सेम है दोनों, अगर आपने ये बोला तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, वो क्यों है बेटा, आपको लग जरूर रहा है कि देखिए ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि एक्सेलरेशन सेम होने वाला है, ये बात बिल्कुल करेक्ट हो, आप बिल्कुल सही हो इस बात में कि एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम होने वाला है, क्यों, क्योंकि सर ये तो सिस्टम है ना, सिस्टम है तो आपने सिस्टम को मतलब आप इसको एक हिस्सा मान लो तो इसको चला तो ये फिर आए ना, तो एक्सेलरेशन तो सेम ही देगा है ना, इसका भी मास वही है, फोर्स उतना ही लगा जाए तो एक्सेलरेशन तो सेम देगा, मगर बेटा नॉर्मल रिएक्शन बदल जाएगी यहां पर, ठीक है नॉर्मल रिएक्शन बेटा बदल जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन को एम टू को चलाना पड़ रहा था और यहां पर देखा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन को एम वन को चलाना पड़ रहा है, थोड़ा मैथमेटिकली आते हैं, ठीक है प्रैक्टिकल आते हैं थोड़ा मैथमेटिकली करें, आओ देखो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं बेटा, जल्दी से एफबीडी ड्रॉ करेंगे, जल्दी से हमसे पहले करेंगे आप एम वन एम टू, चलो भैया फोर्स बनाएंगे जल्दी से, तो सर ये फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन एन या नॉर्मल रिएक्शन एन और यहां पर कुछ भी नहीं, सर एक्सेलरेशन यहां है ए, एक्सेलरेशन यहां है ए, बात सही है क्या, है ना मैग्नीट्यूड की बात करें हम, ठीक है तो तुम ऐसा मत बोलना सर एक्सेलरेशन यहां हो रहा था, इसका एक्सेलरेशन यहां हो रहा है तो सर डायरेक्शन भी बदली है, अरे ऐसा नहीं करना है आपको, हमने सिर्फ ये बोला है कि मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, ठीक है ऐसे तो फिर भी आप कमाल कर दोगे हो गड़बड़ हो जाएगा फिर, सिंपली आपसे हमने बोला है कि एक्सेलरेशन और नॉर्मल कितना होगा, क्या सेम होंगे, तो आपका आंसर है एक्सेलरेशन सेम होगा नॉर्मल रिएक्शन बदलेगी, हमने इसे थ्योरेटिकल बताया है अब उसको प्रूफ करके दिखा रहे, चलिए बताइए इसकी अगर एफबीडी ड्रॉ कर लें और इसका इक्वेशन लिखें इसका लिखा तो आप क्या लिखोगे एफ माइनस एन इज इक्वल टू एम वन एम टू ए, बात समझे क्या भैया, एक्सेलरेशन यहां पर है तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बड़ा फोर्स तो ये रहा, तो एफ माइनस एन इज इक्वल टू एम टू ए, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत अच्छे सर इसके लिए लिखेंगे एन इज इक्वल टू एम वन ए, सर दोनों को एड करेंगे तो ये मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इन टू ए, तो बेटा ए आ जाएगा एफ अपान में एम वन प्लस एम टू, जो हमने बोला था वो सही निकला क्या बेटा, देखो एक्सेलरेशन आपका सेम है। अब जरा नॉर्मल रिएक्शन निकाल के दिखाओ, देखो जरा तो नॉर्मल रिएक्शन जिसे आप निकालोगे ना तो नॉर्मल रिएक्शन है एम वन है, तो ये हो जाएगा एम वन इंटू एफ अपॉन में एम वन प्लस एम टू, ये क्या हमारे पास दोनों के एक्सेलरेशन सेम है मगर नॉर्मल रिएक्शन अलग है, देखो ऐसा है, तो आप बात समझ में आ रही है आपको,
मतलब अगर हम इधर से फोर्स लगाएं और फिर नॉर्मल रिएक्शन देखें, और एक बार इधर से फोर्स लगाएं फिर नॉर्मल रिएक्शन देखें, तो दोनों बात अलग अलग है। तो आपको कई बार पूछ लेगा कि भैया हमने एक एम1 मास एम2 मास लिया, हमने इधर से फोर्स लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन आई N1, इधर से फोर्स लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन आई M2, तो बताओ उन दो का रेशियो क्या होगा, N1 बाय M2 का रेशियो क्या होगा। तो आप बता देना है ना, M2 बाय N1 बनेगा, वो तो सिंपल सी बात है ना। अगर आप इसमें से इधर लगा रहे हैं तो उस वक्त जो नॉर्मल रिएक्शन था तो वो M2 समथिंग, ठीक है, और यहां पर M1 समथिंग है, तो हो जाएगा M2 बाय M1। क्लियर है, एकदम बराबर। चलिए तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको करने के लिए, आप जल्दी से उसका सॉल्यूशन बताना, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन आपके पास ये है, ये है 2 किलो, ये है 1 किलो, यहां लगाया 50 न्यूटन, ठीक है, 37 डिग्री, और यहां लगाया अपने बेटा 30 न्यूटन, 53 डिग्री, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव है करना आपको ये बेटा, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेटिव है, जल्दी जल्दी करके दिखाओ उसे। चलिए जल्दी से करिए इसे। चलिए दोस्तों तो अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना बेटा। देखो आपको यहां पर क्या करना है, सिंपली वही करना है काम जो हमने सिखाया है। सबसे पहले बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। तो चलो पहले हम 2 किलो का बना देते हैं इसको, चलो सॉल्व कर देते अच्छे से। ये लो, ये अपने पास हो गया 2 किलो का और ये अपने पास हो गया 1 किलो का, कोई दिक्कत नहीं। अब ना इसमें लगने वाले फोर्सेस आप बना दो, पहली बात मोशन कहां करेगा, हॉरिजॉन्टल में, है ना, और डायरेक्शन अपने बेटा एक्सेलरेशन इधर की है, तो आप इसको भी इधर लोगे एक्सेलरेशन ए, इसको भी इधर लोगे एक्सेलरेशन ए, और दोनों एक्सेलरेशन सेम होंगे, जाहिर सी बात है ना, दोनों साथ में चलेंगे तो एक्सेलरेशन सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब अगर आप देखें तो 50 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप तोड़ें 50 का कोस 37 डिग्री, अरे भैया 50 का कोस 37 डिग्री, तो वो हो जाएगा कितना 40। सर वर्टिकल क्यों नहीं तोड़ रहे, क्योंकि उसमें मोशन नहीं हो रहा है। तो आप बार बार लिख लिख के क्या करोगे उसे, है ना भाई, अभी उसकी जरूरत नहीं है। हाँ फ्रिक्शन जब पढ़ाएंगे तो वर्टिकल वाले की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है और हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन बदलेगी, क्यों, क्योंकि 50 का साइन 37 डिग्री इस वाले ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाएगा। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए तो 40 इधर, 2 kg एक्सेलरेशन इधर, और कुछ लग रहा है क्या इसके ऊपर, हाँ सर नॉर्मल रिएक्शन है, तो बेटा कहां लगी वो, यहां, तो क्या माना उसका नाम N। चलिए सर उसको बना दीजिए, सर 30 का कोस 53 डिग्री क्या 18 होगा, अरे अभी बिल्कुल पिछली बार जैसे ये बिल्कुल, है ना, ठीक है सर। और नॉर्मल रिएक्शन अगर इसमें इधर लगा है तो इसमें इधर लगा होगा, बात समझे। चलिए अब हमें इसकी सिर्फ इक्वेशन लिखना है और हमारा काम खत्म। चलिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बड़ा फोर्स, मतलब 40 - n = 2a, ठीक है इसकी इक्वेशन, तो n + 18 = 1a, दोनों को ऐड करो नॉर्मल काट दो, तो 40 + 18 मतलब 58 भाई, 58 हो जाएगा ये, है ना, इजिकल टू क्या जाएगा 3a। तो अगर आप इसे देखें तो ये कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन हो जाएगा 58/3, और अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछे तो बेटा क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा a - 58/3 - 18, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, है ना, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ यार, जल्दी से क्या हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा 54 होता है क्या ये, है ना 54, तो 58 - 54 बाय ये हो जाएगा 58 - 54, मतलब ये हो जाएगा 4/3 न्यूटन, तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक। अगर आपका ये दोनों ही आंसर सही निकले हैं तो कंग्रेचुलेशन, आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए बेटा अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
चलिए दोस्तों अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, है ना। इसकी जो असली ट्रिक है, एक लाइन का आंसर जो होता है मैं आपको वो बताने वाला हूं इसके बाद, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं कि जनरल मेथड से आपको आया कि नहीं अभी तक, ठीक है। फटाफट इसको करना, जल्दी से बताना मुझे कि ये आपसे बन पा रहा है या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि ये है 5 किलो का, ठीक है, और ये है 3 किलो का, 3 kg का, और ये है 2 किलो का। आप बोलोगे सर ये बड़ा है, इसको 3 होना चाहिए, हमारी मर्जी, सही बात है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि भैया ये बड़ा होगा तो, ठीक है, अब हमने दे दिया 5, 3, 2, ये हमने दे रखा है 5, 3, 2, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अब तक, ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, मगर अभी फिर से मैं अच्छे से बता देता हूं कि यहां पर हमने 20 न्यूटन लगाया और यहां पर हमने 10 न्यूटन लगाया। आए हाय हाय हाय, बड़ा मस्त क्वेश्चन। चलो चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आप दो तरह के क्वेश्चन कर लो जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए हमने सिर्फ यहां पर 20 न्यूटन लगाया तो आपसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है। सर ये N1 N2 क्या है, यहां का बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1, यहां के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N2। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, तो वो क्या होगा कि 20 इधर और 10 इधर, तो ये तीनों चीजें क्या होंगी। आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया आपको, है ना। तो अभी हम लिख देंगे बाद में, सबसे पहले आप जल्दी से इसे ट्राई करना शुरू करो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, फ्रीज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करना शुरू कर दो और अब इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है, सिंपल सा है, वही FBD बनानी है वापस से, सारी की सारी जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास 5 किलो बना, ये वाला अपने पास 3 किलो बना और ये वाला अपने पास 2 किलो बना, राइट। अब सिर्फ इसके FBD बनाइए, 20 न्यूटन इधर से लग रहा है, बहुत बढ़िया। सर देखो सबका एक्सेलरेशन उधर है तो समझ में आ रहा है, ये भी ए इधर, ये भी ए इधर, ये भी ए इधर, ठीक है। चलिए तो 20 न्यूटन उधर, तो इसने इसको N1 दिया इधर, तो इसने इसको इधर दिया N1, फिर इसने इसको N2 दिया इधर, इसने इसको N2 दिया इधर। मेरे ख्याल से आपको ये चीज बनाने में दिक्कत नहीं आती होगी क्योंकि आपने फ्री बॉडी डायग्राम में सीख लिया है और नॉर्मल रिएक्शन बनाना भी आपको अच्छे से आता है, तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी। अब क्या करें सर, अब तो सर 3-3 बार लिखना पड़ेगी इक्वेशन, तो भैया क्या दिक्कत है, कोई बड़ी बात है क्या, लिखना बड़ा सिंपल है। बताइए 20 - N1 = 5 लिखे कि N1 - 20 = 5 लिखे, सोच समझ के बोले। सर 20 - N1 क्यों, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में बड़ा फोर्स होता है, ठीक है, तो बड़ा फोर्स अपने पास आगे होगा, है ना, तो नेट जीतेगा ये, तो 20 - N1 = 5A, राइट। फिर इसकी देखो तो इसमें इसमें क्या बनेगा, N1 N2 सर आपको दोनों नहीं पता, तो सर बड़ा कौन होगा, एक्सेलरेशन डायरेक्शन में बड़ा फोर्स, तो N1, तो N1 - N2 = 3A, फिर N2 = 2A, देखो आप N2 = 2A, क्या करें, इन तीनों को एड कर दो जल्दी से, तो N1 ने N1 को मारा, N2 ने N2 को मारा, तो 20 = कितना आ गया, 10A, तो A आया अपने पास 2, अगर A 2 आया तो जल्दी से बताइए N2 कितना आ जाएगा बच्चे, तो A 2 डालोगे तो N2 आ जाएगा 4 न्यूटन, और N1 निकालना है तो भैया क्या हो जाएगा सर, N2 प्लस, या आप एक काम करो इसमें डाल दो, कहीं से भी डाल दो आपका आंसर तो आना ही है, तो एक्सेलरेशन भी आपने इसमें डाला तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, तो 10 उसको इधर लाओगे और N1 निकालोगे तो N1 हो जाएगा 10, ठीक, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अब मुझे बताइए अगर यहां पर इस तरफ से क्या लगा होता, 10 न्यूटन लगा होता तो आप किस तरह से निकालते, जल्दी से बताइए। तो फिर से आप FBD बनाते, वापस इक्वेशन लिखते, इक्वेशन में सिर्फ अंतर ही आता, ध्यान समझना, है ना। इस तरह से दिया होता तो भैया जाहिर सी बात है अभी भी दौड़ेगा तो उधर ही, क्योंकि ये बड़ा है इसीलिए, तो भैया हम सबसे पहले क्या बोले कि एक्सेलरेशन तो सिस्टम का उधर हो जाएगा। अब जल्दी से इसकी FBD बना दी जाए, है ना, तो देखो फटाफट जल्दी बनाए, फटाफट बनाए 5, 3, 2, ठीक है 5, 3, 2। इसके बाद हम ट्रिक बताने वाले हैं, बढ़िया वाली मस्त एकदम, N1 N2। अब यहां पर ध्यान से, इसमें N2 इधर और 10 इधर,
उसके लिए थर्ड इक्वेशन में अब थोड़ा सा बदलाव होगा, ध्यान से समझना, थर्ड इक्वेशन में बदलाव होने वाला है। तो पहली क्वेश्चन जो बनेगी इसकी वो बनेगी 20 माइनस n1 इक्वल टू 5। फिर इसके लिए n1 माइनस n2 इक्वल टू 3a, फिर n2 माइनस 10 इक्वल टू 2a। क्लियर है क्या? आसान है यार, n2 माइनस 10 इक्वल टू 2a, है ना, फोर्स इक्वल टू ए में ही लिख रहे हैं बार बार, n1 ने n2 को मार दिया, तो 20 माइनस 10 10 10a, तो a इक्वल टू आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। अब आगे बढ़ जाओ, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, डाल दो n1 इनटू निकल जाएगा, बड़ा आराम से आ जाएगा ना बेटा। तो n1 देखो जल्दी से क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन बढ़ा लो 1, तो एक्सेलरेशन जब 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 12, तो n2 आया 12, और n1 कितना रहा बेटा जल्दी से बताओ, n1 कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन को डालो 1 तो ये 5, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है क्या? ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है क्या, है ना। चलिए तो अब ना हम इसके ऊपर ट्रिक्स बता देते हैं जो इसके ऊपर बन सकती है ना, बट आपको जनरल मेथड करना जरूर आना चाहिए यार, ठीक है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और अब आप ट्रिक देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे ट्रिक, ठीक है, इसके ऊपर बढ़िया होगी।